तो हेलो भाई, स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्काई VHP। ठीक है, तो चैनल का नाम भी मैं भूल गया हूँ। और हमारी गाड़ी का देखो कवर आ चुका है, ये 150 रुपये का कवर मैंने बनवाया है। क्योंकि जो भाई कवर आते हैं जो प्राइस रेंज में 300-400 के प्राइस रेंज में, भाई वो बहुत ज़्यादा पतले कपड़े होते हैं, फट जाते हैं और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से पानी और डस्ट सब अंदर चला जाता है। तो भाई ये देखो, ये तिरपाल वाला कपड़ा मैंने एक फ्रेंड ने रिकमेंड किया, तो भाई बनवा ले, सस्ता पड़ेगा और ज़्यादा टिकाऊ भी है और लगभग 2-3 साल तो चली जाएगा अगर ढंग से रखा जाए तो। आज की वीडियो देखो, हमारी अनबॉक्सिंग वीडियो होने वाली है। भाई हमारा एक्शन कैमरा आ चुका है और इस फ़ोन से, जिस फ़ोन से मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, इसी फ़ोन से मैं मोटो ब्लॉगिंग करता था। iPhone 12 है और जिसकी वजह से भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करने लगा है। देखो हाई स्पीड में क्या होता है कि इसके पीछे वाले जो माइक है और जो ईयर पीस है और जो नीचे वाला माइक है और स्पीकर है, तो भाई उसमें इतने ज़्यादा डस्ट जा चुकी है, इतना उसमें मतलब उस पर जुल्म हो चुका है ना कि मतलब ख़राब हो चुका है ऑलमोस्ट। ना सामने वाले की मुझे सुनाई देती है, ना मेरी सामने वाले को सुनाई देती है, इतना प्रॉब्लम आ रहा है, जिसकी वजह से मैंने मोटो ब्लॉगिंग बंद कर दिया था। और मैं देखो बाहर ब्लॉग कर रहा हूँ तो आवाज़ें थोड़ा सा इग्नोर करना। तो भाई जल्दी चलते हैं और आपको दिखाते हैं अनबॉक्सिंग करके मतलब क्या क्या उसमें है और कौन सा एक्शन कैमरा है। बेसिकली कौन सा एक्शन कैमरा आप तो जान चुके होंगे क्योंकि थंबनेल में मैंने डाल ही दिया है। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई फ्लिपकार्ट की डिलीवरी देखो ऐसी किसी बॉक्स में आता है, ऐसे बॉक्स में लगभग सारे प्रोडक्ट आते हैं, बस बॉक्स छोटा बड़ा होता रहता है। भाई अनबॉक्सिंग करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता रखा है भाई, बॉक्स एक बार ओपन हो चुका है। तो बॉक्स में देखो ऐसा कुछ बॉक्स रहता है और इसमें सारे स्पेसिफिकेशंस लिखे हुए हैं। स्पेसिफिकेशन क्या भाई, इसमें अंदर जो आपको साथ में प्रोडक्ट्स मिलते हैं, कैमरे स्पेसिफिकेशन ये लिखे हुए हैं और इसके साथ जो क्लैम्प्स आते हैं, देखो ये माउंट केस आता है और ये देखो मैग्नेटिक जो DJI का जो सिग्नेचर एक क्लैंप आता है, मैग्नेटिक क्लैंप ये है। टाइप सी चार्जिंग एक केबल दिया हुआ है, एक लॉक स्क्रू दिया हुआ है, रबड़ लेंस मतलब रबड़ लेंस को कवर करने के लिए रबड़ रबड़ वाला एक चीज़ दिया हुआ है। अभी मैं खोल के दिखाऊंगा उसको। तो चलिए बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं। तो वह देखो बॉक्स ओपन करते ही सबसे पहले आपको पेपर वर्क मिल जाएंगे जो कि बॉक्स में गायब है और इधर उधर हो चुके हैं क्योंकि टेस्टिंग किए थे एक बार। तो भाई ये देखो, ये रहा कैमरा, इसको पहले साइड में रख देते हैं, उसके बाद बॉक्स ओपन करते हैं। वही बॉक्स में देखो आपको सबसे पहले आपको स्टिकर मिलता है, जैसे आईफोन में आपको मिलते हैं ना, ऐसा आपको स्टिकर्स मिल जाते हैं DJI के। आप इसको चाहे हेलमेट में, चाहे बाइक पे, चाहे जिस जगह हर जगह कहीं भी लगा लो भाई, आप माथे पर लगा लो, कोई मना नहीं करेगा, लेकिन लगा लेना, दिया है तो फ्री में लगा लेना। उसके बाद एक देता है भाई ये माउंट फ्लैट सरफेस के लिए, चाहे तो आप कार पे डैश कैम पे लगा सकते हैं, डैश कैम एज ए डैश कैम यूज़ करने के लिए आप इसको कार में लगा सकते हैं, चाहे आप ग्लास पे, मिरर पे लगा सकते हैं, विंडशील्ड पे, चाहे आप उस पे डैश डैशबोर्ड पे लगा सकते हैं। तो भाई ये देखो यहाँ पे इसको देखो, ये पूरा ग्लू है और एक तरह से डक्ट टेप है ये पूरा। और ये रहा मैग्नेटिक क्लैम्प, देखो ये DJI के ही प्रोडक्ट में आता है और ये बिल्कुल सटीक चिपक जाता है एक तरह से देखा जाए तो। ये देखो ऐसे ही चिपक जा रहा है कवर के ऊपर ही से, देख रहे हो, और बहुत मतलब रिजिड है भाई, बहुत पावरफुल मैग्नेट इसमें यूज़ किया गया है, तो बिल्कुल रिस्क मतलब रिस्क वाला कोई सीन नहीं है। तो भाई अगला चीज़ देखो, ये आता है चार्जिंग केबल आता है, और चार्जिंग केबल के अलावा आपको ब्रेक नहीं मिलता है, ब्रेक भाई आजकल फ़ोन में नहीं मिल रहा है तो एक्शन कैमरा में कहाँ से मिलेगा। उसके बाद आपको ये एक गांजे की पुड़िया मिलती है गांजे की पुड़िया नहीं है, देखो मेरा भाई यहाँ देख रहा है, रिव्यू में कर रहा हूँ यहाँ देख रहा है, देखो गांजे की पुड़िया नहीं कहते इसको, इसको भाई सिलिका जेल कहते हैं जो कि किरण ये सब सोख लेता है। और उसके बाद आपको मिलता है कि ये माउंट केस, तो भाई इसमें आपका कैमरा इसमें पूरी तरह आ जाता है। और भाई जो जो ये रिव्यू देख रहे हो तो भाई आपको पता ही होगा कि ये किस काम आता है और ये काफ़ी भाई प्रोडक्ट बहुत सॉलिड है। ये देखो यहाँ पे रबड़ बटन दिया हुआ है और बहुत रिजिड है, बहुत मजबूत है, मतलब सेव अगर बाय चांस कैमरा गिर गया तो सेव कर ले जाएगा। उसके बाद आपको जो मैं चीज़ बोला था, तो रबड़ रबड़ दिया हुआ है, ये एक पहले से इसमें इंस्टॉल्ड है। तो ये रहा कैमरा गाइस, अब इसको जल्दी जल्दी ऑन कर दो। भाई ये सब कुछ देखो चीज़ें प्रोडक्ट मिलती है साथ में और बेसिकली ये स्टैंडर्ड कॉम्बो है, इसमें सिर्फ आपको जो स्टैंडर्ड चीज़ें मिलती हैं वही सब मिलेंगी। भाई ये रहा कैमरा, ठीक है इसको हटाते हैं।
भाई बहुत पसीना आ रहा है, गर्मी देख रहे हो। पंखा बंद कर रखा है मैंने, जिसकी पंखा क्यों बंद कर रखा है, क्योंकि विंड नॉइज आती। तो भाई ये रहा देखो, ये रहा हमारा एक्शन कैमरा, इसको खोलते हैं जल्दी से। देखो भाई बहुत भारी है, देखा जाए ना तो गोप्रो से बहुत भारी है। पर हेलमेट में अगर ये माउंट में लगाएंगे तो भाई आपका हेलमेट पक्का सिर ज़रूर दर्द करेगा। अब मैंने एक्सपीरियंस तो नहीं किया है, अब जब इसको मैं रियल टाइम में यूज़ करूँगा, रियल लाइफ में यूज़ करूँगा, तब जाके भाई पता चलेगा ये कैसा मतलब फीडबैक देता है। तो भाई ये देखो मैंने यहाँ पे पिन्नी चढ़वा रखी है, यहाँ भी पिन्नी चढ़ी है, यहाँ भी पिन्नी चढ़ी है। भाई इस देखो सबसे पहले प्रोटेक्शन ज़रूरी है, पैसा लगा है, तब इसको ऑन करते हैं। तो उसके पहले मैं आपको दिखा दूँ भाई, इसमें मैंने बैटरी पहले से डली हुई थी और इसमें बैटरी डली हुई है। मैंने एसडी कार्ड भी देखो, ये बेसिकली नॉर्मल एसडी कार्ड नहीं है, और नॉर्मल एसडी कार्ड से इसमें काम भी नहीं चलेगा। ये है हाई स्पीड एसडी कार्ड, और बेसिकली आपको 600-700 रुपये का मिल जाएगा। एक बार फिर से देख लो दुकान में या शॉप में लेने जाना, तो इस पर देख लेना A2 ज़रूर लिखाओ या A3 लिखाओ, ठीक है। जैसे फ़ोन के स्टोरेज में UFS होता है ना, वैसे एसडी कार्ड का ये एक मेजरमेंट वाला जो होता है तरीका होता है। भाई मेरा मुंह फंबल कर रहा है, बहुत दिन बाद में ब्लॉग वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो भाई ये देखो लॉक हो गया, लॉक नहीं हुआ, ये देखो लॉक हो गया। अब इसको जल्दी से ऑन करते हैं। वह देखो लॉक ऑन हो चुका है और स्क्रीन लॉक है अभी। तो SD कार्ड डालने के बाद देखो इसमें ऑप्शन कौन कौन सा आता है। देखो 1080p तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, 2.7K, 2.4K सब तो मिलेगा, 4K मिल जाएगा, और रेजोल्यूशन भी साथ में 4K में आपको मैक्सिमम 60 FPS मिलेगा, और 2K में भी 60 FPS मिलेगा। और 2K भाई ये कुछ अलग है, रेजोल्यूशन पे आपको देखो डिफरेंस मिल रहा है, यहाँ पे 120 FPS मिल जाएगा, और 1080p पे आपको देखो बहुत ज़्यादा FPS मिल जाएंगे। तो इतने FPS की यूज़ नहीं है, क्योंकि YouTube पे आपको 60 FPS मैक्सिमम दिखाई देगा, और बेसिकली देखा जाए तो 1080p 60 FPS पे ही मोस्टली ज़्यादातर मोटो ब्लॉगर ब्लॉग करते हैं। तो भाई ये रहा कुछ अनबॉक्सिंग, बॉक्स में आपको ये सब कुछ चीज़ें मिलेंगी। कैमरा देखो भाई, आईफोन है, और इसका फ्लैश लाइट देखो, मेरा मुंह नहीं दिख रहा होगा आपको। तो भाई ये देखो ये सब प्रोडक्ट कुछ मिलते हैं आपको, बस इतना ही आपको मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, और एक ये छोटा सा, ठीक है। ये बेसिकली स्टैंडर्ड कॉम्बो है, तो इसमें ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा बैटरी या माइक आइक नहीं मिलेगा आपको, ना तो आपको एक्स्ट्रा क्लैम मिलेगा, ना तो आपको एक्स्ट्रा माउंट मिलेगा। तो भाई ये रहा कुछ अनबॉक्सिंग। तो भाई आपने छोटा सा अनबॉक्सिंग देख लिया, अब छोटा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। जैसे मैं आईफोन से मोटो ब्लॉग कर रहा था, तो अब छोटा सा कंपैरिजन करें, साइड बाय साइड वीडियो आपको प्ले होगी, और इधर एक्शन 3 का वीडियो प्ले होगा, इधर आईफोन 12 का वीडियो प्ले होगा, या आईफोन 13 का वीडियो प्ले होगा, क्योंकि जो आईफोन का मतलब वाइड एंगल, ऑलमोस्ट सारे जो एंगल सारे आईफोन में वाइड एंगल लगभग बराबर ही है, तो उस हिसाब से आपको एक कंपैरिजन मिल जाएगा कि वाइड एंगल में कितना डिफरेंस आता है एक एक्शन कैमरा में और एक फ़ोन के कैमरा में। तो चलिए गाइस ये देखिए रिजल्ट, देखते हैं कैसा आता है। तो भाई देखो साइड बाय साइड कंपैरिजन है, iPhone 12 का वाइड एंगल और Action 3 का सुपर वाइड एंगल। तो देखो इसमें सिर्फ पंखा दिख रहा है, ऑलमोस्ट सामने का वॉल दिख रहा है, लेकिन Action 3 में आपको तीनों साइड के वॉल नज़र आ रहे होंगे, और फ़ैन तो दिख ही रहा होगा। तो अब चलते हैं बाहर और देखते हैं भाई बाहर का क्या सीन, एक्सपोजर ये सब। तो भाई ये देखो एक कंपैरिजन है, बहुत ज़्यादा वाइड एंगल मतलब मिल रहा है हमारे Action 3 में, जैसा कि आपको पूरा रिजल्ट समझ में आ रहा होगा। तो देखो भाई बाउंड्री, इसमें गाड़ी कितनी दिख रही है और इसमें गाड़ी कितनी दिख रही है। तो लो लाइट कंपैरिजन देखो, अंदर घर में अंधेरा है, और देखा जाए तो नाइट मोड Action 3 का ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है iPhone 12 के हिसाब से। तो भाई ये देखो लगभग इक्वल डिस्टेंस पे रखा है मैंने Action 3,
और आईफोन। तो ये रहा कुछ देखो वीडियो कंपैरिजन। अब वीडियो को यहीं एंड करते हैं।